दोस्तों आज हम जाने वाले हैं मनाली से लाहौल स्पीति टूर पर। ये रोड ट्रिप बहुत शानदार और बहुत एडवेंचर से भरा रहेगा। इस सफर में हम अटल टनल से होते हुए लाहौल स्पीति जाएंगे और इस पूरे सफर की खूबसूरती एडवेंचर आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी घर बैठे लाहौल स्पीति को घूम सकते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपके लिए इतनी खूबसूरत और इतनी एडवेंचरस वीडियोस लेकर आते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए आज चलते हैं लाहौल स्पीति। दोस्तों लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हम लोग मनाली से सोलांग वैली तक आए थे। आज हम आगे की जर्नी को पूरा करेंगे और आपको अटल टनल से होते हुए लाहौल स्पीति घुमाएंगे। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो हिमाचल सीरीज के सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम सोलांग वैली से आगे निकल चुके हैं और गाड़ी हमने साइड में रोकी है और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलांग वैली से अटल टनल के बीच की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और मनाली से सोलांग वैली की तरह ही सोलांग वैली से अटल टनल तक का ये रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि रोड कंडीशन तो लगभग सभी जगह अभी तक A1 हमें मिली है, और इतने खूबसूरत रोड पर इतने अच्छे वेदर में ड्राइव करना या बाइक राइड करना बहुत सुंदर एक्सपीरियंस देता है। अगर आप मनाली के आसपास के कुछ और जगहों पर जाना चाहते हैं तो आप लाहौल स्पीति आइए। आज हम आपको लाहौल स्पीति घुमाने वाले हैं। सामने एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से अटल टनल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर अब रह गई है। तो चलिए अटल टनल पहुँचते हैं और दिखाएंगे आपको अटल टनल के खूबसूरत नज़ारे। वैसे तो अटल टनल में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ व्यूज़ तो ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर भी पुलिस की बैरिकेटिंग लगाई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं है। सोलांग वैली से पहले हमें पुलिस वाले ज़रूर मिले थे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अटल टनल अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और ब्यूटी देखिए आप यहाँ की। वेदर लगभग क्लाउडी है, धूप नहीं है, तो यहाँ पर सफ़र करना अभी बहुत अच्छा अनुभव हमें दे रहा है। रोड कंडीशन तो मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रैफिक भी आज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल, कैमरा अलाउ नहीं है, कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस आप तक जरूर पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स अभी हम अटल टनल में एंट्री ले चुके हैं। बहुत खूबसूरत टनल है ये, और इसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर तक है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर और सबसे लंबी टनल है। मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर का फायदा हुआ है इस अटल टनल को बनने के बाद। पहले रोहतांग पास से जाते थे तो 46 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, और 4 से 5 घंटे का फायदा भी हुआ है लेह की ओर जाने वाले लोगों को। मनाली की साइड से जब हम एंट्री लेते हैं तो वो इस टनल का साउथ पोर्टल है, और जहाँ ये खुलती है वो नॉर्थ पोर्टल है। यानी मनाली से हम एंट्री लेते हैं और सीधे नॉर्थ पोर्टल पर जब हम निकलते हैं तो हम एंट्री लेते हैं हिमाचल के लाहौल वैली में। पहले 6 महीने तक लाहौल स्पीति का रास्ता मनाली से पूरी तरह से बंद रहता था सर्दियों में, लेकिन अटल टनल बनने के बाद ये समस्या खत्म हो गई है। इस पूरी टनल में 60 से ज्यादा फायर हाइड्रेट हैं, 250 से ज्यादा CCTV कैमरे हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई घटना तो टनल के अंदर नहीं हुई है। बीच बीच में इमरजेंसी डोर बने हुए हैं। तो अभी हम अटल टनल से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बोर्ड हमें दिखाई दिया है जहाँ लिखा हुआ है अगर हमें काजा या स्पीति जाना है तो राइट लेना होगा, और लेह केलांग साइड जाना है तो हमें, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, रास्ता बंद है स्पीति जाने वाला। स्पीति जाने वाला रास्ता लगभग बंद है। स्पीति वाला तो बंद है ना, स्पीति तो बंद है। अच्छा, इधर लाहौल जा सकते हैं।
दोस्तों इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये जगह है लाहौल और यहां से स्पीति वैली जाने के लिए रास्ता अभी बंद किया हुआ है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, यानी लाहौल साइड से अटल टनल का ये डोर है। तो प्रोग्राम था हमारा स्पीति जाने का, लेकिन स्पीति के रास्ते भी बंद हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि स्पीति के रोड पे लैंडस्लाइड हो गई है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता बंद किया हुआ है। तो कोई बात नहीं, लाहौल वैली आपको घुमाते हैं पहले। ये जो पूरा एरिया है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट लग चुका है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ से खूबसूरती अचानक से एकदम बढ़ जाती है अटल टनल को पार करने के बाद। रोड कंडीशन यहाँ भी बहुत शानदार है। अटल टनल से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर सिसु एक जगह मौजूद है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर सिसु मौजूद है, उस ओर ही अब हम चल रहे हैं। और रास्ते की खूबसूरती देखिए आप, यहाँ भी अल्टीमेट नज़ारे। पहाड़ों के रंग अचानक से बदल गए हैं, जो पहाड़ पहले हमें ग्रीन दिखाई दे रहे थे वो अब ब्राउन दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब साफ है कि ये वो पहाड़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। कुछ जगह ग्रीनरी है, कुछ जगह पहाड़ पूरी तरह से नेक्ड है, लेकिन खूबसूरती के मामले में तो नंबर 1 जगह है। आगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ज़रूर पूरा देखिएगा। ये देखिए क्या खूबसूरत जगह आई है, लगभग पूरी तरह से वाटर क्रॉसिंग है और पूरी तरह से झरना रोड से निकल के जा रहा है। और ऐसे ही शानदार और एडवेंचरस नज़ारे आपको लगातार देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में, इस एपिसोड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। जून के महीने की ये खूबसूरती है। वैसे तो मनाली से लाहौल स्पीति 6 महीने तक ओपन रहता था पहले, जब रोहतांग पास से होकर निकलते थे, लेकिन जब से अटल टनल बनी है तो अब पूरे साल लाहौल स्पीति मनाली से कनेक्टेड रहता है। तो ये फ़ायदा हुआ है अटल टनल का, और साथ ही साथ लेह जाने वाले लोगों को 46 किलोमीटर का फ़ायदा मिल गया है अटल टनल बनने के बाद, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और रोड कंडीशन तो यहाँ भी बहुत बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। रोड की चौड़ाई भी काफ़ी है, तो ड्राइविंग करने में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही है। खूबसूरती यहाँ नज़ारे ना पूरी तरह से मनाली से डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये है लाहौल वैली, और जहाँ रास्ता बंद था वो थी स्पीति वैली जाने के लिए रास्ता, जो हिमालय पर्वत है उसके जो कुंजुम रेंज है, कुंजुम रेंज ही लाहौल वैली और स्पीति वैली को सेपरेट करता है। तो अभी हम लाहौल वैली एरिया में घूम रहे हैं, ये पूरा लाहौल का ही इलाका है, यहाँ की खूबसूरती भी लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि सामने एक बस चल रही है, और दोबारा से इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा पानी हमें दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल पूरी तरह से रोड पर गिर रहा है, लोग बाग यहाँ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा रिस्की रहता है, ऐसी जगहों से जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए। रोड पर पूरी तरह से पानी ही बह रहा है, मानिए पूरी नदी रोड पर बह रही है, लेकिन रोड कंडीशन अच्छी है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम निकलने में नहीं होगी। अभी हम पहुँचने वाले हैं सिसु, ये आ गया है सिसु का बस स्टैंड, और ये बस यहाँ मनाली साइड से आई है, शायद केलांग तक जाएगी। ये है सिसु के नज़ारे। सिसु में भी बहुत सारे होम स्टे हैं, अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लान में ना थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, जा रहे थे हम स्पीति की ओर, लेकिन अभी लाहौल की ओर निकल गए, और लेह लद्दाख की ओर निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि स्पीति में लैंडस्लाइड हो गई है, रास्ता बंद है, तो हमने स्पीति का प्रोग्राम चेंज करके लेह लद्दाख का बना लिया है। अभी सिसु में मौजूद हैं, सरचू यहाँ से रह गया करीब 140-145 वहाँ तक पहुँचेंगे, या फिर उससे आगे निकल जाएंगे, वो आपको अपडेट देते रहेंगे। अटल टनल से निकलने के बाद ही मालूम चला था कि स्पीति में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया, इसीलिए शिमला से जब स्पीति जाते हैं ना वो रोड ज़्यादा बेहतर रहता है, वहाँ से ज़्यादा सेफ भी रहता है, यहाँ के रास्ते में हमेशा दिक्कत होती है, अब लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेह लद्दाख की ओर चलते हैं, खूबसूरती तो आपको भर भर के दिखाने वाले हैं इस सीरीज में। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और लाइक इतने कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुँचाते रहें।
चलिए सीसू से आगे निकलते हैं, लेकिन आगे कैसे निकलें? इतने सारे भीड़ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, रास्ता लगभग पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो चुका है, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, इतने ज़्यादा भीड़ और बकरियाँ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोशिश करते हैं आगे निकलने की। ये जो शहर है ये है सीसू, खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत, यहाँ भी अच्छे खासे होटल्स बने हुए हैं हम देख रहे थे, और इसके अलावा होम स्टे भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो यहाँ से निकलने की हम कोशिश करते हैं। देखिए कितने सारे भीड़, कितने सारे, सैकड़ों की तादाद में। और सीसू से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव पड़ता है जो घोडला नाम से है। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये अभी सीसू ही चल रहा है, देख सकते हैं कितने सारे होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारे होमस्टे हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, काफ़ी लोग यहाँ रुके हुए भी हैं, और बहुत पीसफुल जगह है। मनाली से आगे आप आते हैं तो यहाँ भी आ जाइए, लाहौल में ही ये सीसू नाम का शहर मौजूद है, शहर समझ लीजिए या गांव समझ लीजिए, लेकिन है बहुत खूबसूरत। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सीसू से 11 किलोमीटर की दूरी पर घोडला नाम का एक गांव और स्थित है, वहाँ भी बहुत सारे होमस्टे मौजूद हैं, वो भी जगह आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम निकल चुके हैं सीसू से बाहर, और नज़ारे देखिए आप, अल्टीमेट, शायद आपने ऐसे व्यूज़ नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो कहाँ देखे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं देखे हैं तो भी बताइए, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यूज़ हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। एक साइड में ये हरे हरे पहाड़ और ये खूबसूरत सा रोड, दूसरी तरफ फ्लो कर रही है चिनाब रिवर, स्पीति रिवर भी इसको बोलते हैं, और ये रिवर पाकिस्तान तक जाती है। सामने यहाँ से हमें बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई देने लगे हैं, उन्हीं पहाड़ों तक हम जाने वाले हैं अभी। फिलहाल ये नज़ारे देखिए आप, बहुत अल्टीमेट व्यू। स्पीड लिमिट यहाँ मेंशन की हुई है 40 से 50 की, उससे ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और ये एक और छोटा सा गांव यहाँ देखने के लिए मिला है जहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, होमस्टे तो मान के चलिए सभी जगह अभी तक मनाली से यहाँ तक हम आए हैं, और जगह जगह होमस्टे हमें देखने के लिए मिले हैं, और छोटे छोटे ढाबे भी खाने पीने के लिए बने हुए हैं। अगर आप आते हैं तो कोई अभी तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये नज़ारा देखिए आप, बादल लगभग नीचे आ चुके हैं, रोड की खूबसूरती तो बहुत ही अच्छी है अभी तक, मतलब इन नज़ारों को ही एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं, और आपको ये नज़ारे ही दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम लाहौल स्पीति की ओर जाएंगे, और यहाँ की रोड कंडीशन क्या है, नज़ारे कैसे हैं, अगर आप आते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, वो सब आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे ये तो हमने भी नहीं सोचा था। पहाड़ों पर भी कुछ कैंप बने हुए हैं जगह जगह, जैसे कि हम पीछे देख रहे थे, आज भी यहाँ पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, मौसम लगभग यहाँ ऐसा ही रहता है हमेशा, इसीलिए लाहौल स्पीति को बहुत खूबसूरत जिलों में गिना जाता है हिमाचल प्रदेश के। ये आ गया है बेहद खूबसूरत सा लोहे का पुल, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, लाहौल वैली को घूमना है, और यही रोड लद्दाख तक जाता है, लेह तक जाता है, और इसको लेह मनाली हाईवे भी बोला जाता है। चलिए लेह लद्दाख की ओर ही चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं आज, कितने अल्टीमेट नज़ारे हैं, अल्टीमेट। चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग लाहौल स्पीति घूमने आए हैं, वो बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा। मनाली तक तो सभी लोग आए होंगे, नहीं आए हैं तो बताइए, आए हैं तो बताइए, अगर लाहौल स्पीति आए हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए सामने ऊपर की तरफ कितना शानदार होटल बना हुआ है, तो ऐसी जगह पर अगर आप रूम लें, स्टे करें कुछ समय के लिए, तो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, कितना आप यहाँ इंजॉय कर पाएंगे, पीसफुल लाइफ यहाँ पर जी पाएंगे। जब अटल टनल नहीं बनी थी तब ये हाईवे उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं हुआ करता था, और लोगों को यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, रोहतांग पास से निकलना अपने आप में बहुत टफ होता था, सर्दियों के मौसम में तो लगभग 6 महीने वो पूरी तरह से बंद रहता था,
लेकिन अटल टनल ने यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। टूरिस्ट फ्रेंडली ये एरिया हो चुका है, इसीलिए अब टूरिस्ट इधर ज़्यादा आते हैं। वही एक कारण है कि यहाँ खूबसूरती और यहाँ होटल्स, होम स्टे, ढाबे, रेस्टोरेंट लगातार बन रहे हैं। यहाँ सामने से एक रास्ता कट हुआ है, यहाँ लिखा है सुलिंग से थक थक के लिए, यानी कोई छोटा सा गांव होगा ऊपर, उसके लिए एक अलग से रास्ता यहाँ पर बनाया हुआ है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती भी लाजवाब है, रोड कंडीशन तो बहुत ही बढ़िया है, और मैं उत्तराखंड से अगर कंपेयर करूँ तो रोड के मामले में यहाँ के रोड मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अभी तक, क्योंकि उत्तराखंड में रोड इतने चौड़े नहीं हैं। चार धाम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ अब नए सिरे से रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, तो अच्छे रोड बनने लगे हैं, लेकिन खूबसूरती जितनी उत्तराखंड में है तो हिमाचल भी कहीं कम नहीं है। और ख़ास तौर पर हिमाचल में अगर लाहौल स्पीति आप घूमने आते हैं तो क्या ही कहने। तो लगभग अभी हम घोडला पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ये एक छोटा सा गांव यहाँ पर पड़ा है। तो इस तरह के छोटे छोटे गांव तो हमें यहाँ बार बार देखने के लिए मिलते हैं, और हम लगभग पहुंचने वाले हैं घोडला। अच्छा, उत्तराखंड में हमें इस तरह के ट्रक वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं जो हम हिमाचल प्रदेश में देख पाते हैं, क्योंकि रोड वहाँ पर इतने चौड़े नहीं हैं, और जो फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाती है वो पिकअप के थ्रू ही दी जाती है। माल जो पहुँचाया जाता है वो पिकअप के थ्रू पहुँचाया जाता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। खूबसूरती देखिए आप यहाँ की, बहुत अल्टीमेट। तो अब एग्जैक्टली घोंडला में हम एंट्री कर रहे हैं। सामने जो पहाड़ हमें दिखाई दे रहे थे बर्फ़ के, अब वो और ज़्यादा नज़दीक हमारे आ चुके हैं, या कह लीजिए हम उनके करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ सामने से भी एक रास्ता राइट हैंड पर डाइवर्ट हो रहा है जो तिलिंग गांव तक जाता है। ये भी एक छोटा सा गांव है, और उसके लिए एक अलग यहाँ रास्ता बनाया गया है, और वो रास्ता पीछे था, और यहाँ आप राइट हैंड पर देख रहे होंगे कुछ घर बने हुए हैं, ये वही गांव है, तिलिंग इस गांव का नाम है। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और होम स्टे यहाँ भी मौजूद है। तो होम स्टे के ऑप्शन तो आपको यहाँ लगातार देखने के लिए मिलेंगे, और होम स्टे में रुकने का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं कोशिश करूँगा कभी आपको होम स्टे से रिलेटेड भी वीडियोस शेयर करूँ। ये आ गया है सोनम ढाबा। खाने पीने के लिए तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं, सोनम ढाबा काफ़ी मशहूर ये ढाबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अभी लंच के लिए हम रुकेंगे, कोई अच्छी सी जगह दिखाई देगी तो वहाँ रुकेंगे लंच के लिए भी। और सामने से एक झरना फ्लो कर रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये है लाहौल की खूबसूरती। एक और रास्ता यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, ये रास्ता जाएगा गोदला से फुकतुल गांव तक। तो इस तरह के अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें मेन हाईवे को ही पकड़ना है। लेह मनाली हाईवे की ओर हम चल रहे हैं, लेह की ओर अभी हम चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आगे हम जाएँ उतना जा पाएँ। बाकी वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। हिमाचल सीरीज़ के सारे पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत एडवेंचरस ये हमारी रोड ट्रिप रहने वाली है। ये आ गया है यहाँ का शिव मंदिर। जो व्यूज़ हम मनाली में देख रहे थे, सोलांग वैली में देख रहे थे, उनसे तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ अब हम यहाँ देख पा रहे हैं लाहौल वैली में। कोंदला से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर टुपचिलिंग गांव स्थित है, और टुपचिलिंग गांव से करीब 4.5 किलोमीटर के अराउंड एक पेट्रोल पंप आएगा इंडियन ऑयल का। सारी पॉइंट आपको दिखाएंगे एक एक करके, फिलहाल आप ये खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। रोड के बारे में बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि मनाली से लेह की तरफ जब चलते हैं तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी हम मनाली से काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ तो रोड बहुत बढ़िया है। लाहौल वैली में अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ तो रोड बहुत 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 बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। बाइक से आएँ बाइक ले जाइए, कार से आएँ कार ले जाइए, टैक्सी ले जाना चाहते हैं टैक्सी ले जाइए। चलिए टैक्सी की हम बात कर रहे हैं तो टैक्सी के रेट आपको बता देते हैं। अगर आप मनाली से स्पीति वैली को घूमने आना चाहते हैं तो वहाँ पर टैक्सी वाले करीब चार्ज करते हैं 20,000 रुपये, और एक रात का स्टे का ऑप्शन वो आपको दे देंगे जो आपके खुद के खर्चे पर रहेगा, लेकिन वो स्पीति वैली आपको घुमा लाएंगे 2 दिन में। हमने रेट मालूम किए थे मनाली के ही एक टैक्सी स्टैंड पर। ये देखिए कितना खूबसूरत रोड बना हुआ है, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अरे वाह, ट्रैक्टर भी यहाँ पे है, इमेजिन कीजिए पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर ट्रैक्टर भी यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। ट्रैक्टर चलाने का भी एक्सपीरियंस वैसे गजब ही होगा यहाँ पर।
आपने कभी चलाया ट्रैक्टर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो चलाया है। चलिए अभी तो हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा, मैं गाड़ी के बारे में, मेरे से काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे आप किस कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लाहौल वैली में घूम रहे हैं और गाड़ी है हमारी सेंट्रो। तो अभी तक तो हमें कोई इशू नहीं आया है सेंट्रो में ट्रैवल करते वक्त। और सवारी की बात करूँ तो 4 लोग हम सेंट्रो में मौजूद हैं, तो पूरी तरह से लोडेड गाड़ी है और हमारे साथ हमारा बहुत सारा लगेज भी है, तो पूरी तरह से फुल है गाड़ी और इशू हमें अभी तक सेंट्रो में भी कोई नहीं आया है। ये देखिए, बीच पहाड़ों के बीच एक जनरल स्टोर यहाँ पर बना हुआ है। पहाड़ों में अचानक से इस तरह की दुकान का दिखाई देना भी एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है, जहाँ दूर दूर तक बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक नदी है, एक पक्का अच्छा रोड बना हुआ है और उसमें इस तरह का एक जनरल स्टोर अचानक से देखने के लिए मिला। यही एडवेंचर है यहाँ का। यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह बने हुए थे। और अब हम जिस जगह पहुँचने वाले हैं, ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप और ये लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ का। जी हाँ, इसके बाद लेह तक कोई पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है। इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप के बाद भी अगर कोई पेट्रोल पंप मौजूद है, अगर आप में से कोई लोग जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद यही लास्ट पेट्रोल पंप है जो केलांग में स्थित है या केलांग से थोड़ा पहले स्थित है। केलांग से लेह के बीच में अगर कोई पेट्रोल पंप है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे हिसाब से शायद नहीं है, बाकी है या नहीं जब हम आगे जर्नी करेंगे तब आपको बताएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस पेट्रोल पंप पर और ठीक उसके बराबर में मौजूद है हिमालयन ढाबा। यहाँ हम थोड़ा खाना पीना करेंगे और आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। ये है ढाबे के सामने से नज़ारे, वो खड़ी थी हमारी सेंट्रो कार। आ गए हैं हम ढाबे के अंदर। यहाँ पर खाने में एग, चिप्स, चाय, कॉफ़ी, मैगी, ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बराबर में है। जब आप लाहौल वैली में मौजूद होंगे, इकलौता यही पेट्रोल पंप है, किसी से भी पूछिएगा, आसानी से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और बीच मेन हाईवे पर है, ये है पेट्रोल पंप के पास से लाहौल वैली का खूबसूरत सा व्यू। चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए हमारी गाड़ी और हमारे चारों दोस्त, यानी मुझे मिलाकर ये रहे हमारे तीनों दोस्त। और अब चलते हैं यहाँ से आगे। इस पेट्रोल पंप से केलांग के बीच की दूरी करीब 8.5 से 9 किलोमीटर के अराउंड है और यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर टंडी ब्रिज है, वहाँ तक पहुँचेंगे। वो ब्रिज आपको दिखाएंगे, वो पॉइंट आपको दिखाएंगे और आगे जाके ना एक रास्ता अलग डाइवर्ट होता है किश्तवाड़ की तरफ, वो भी जगह आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं टंडी ब्रिज। दोस्तों अभी टंडी ब्रिज पे मौजूद है। मेरे पीछे जो ब्रिज है ये टंडी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी भी रेडी हो गई है, चलो चलें। टंडी ब्रिज से 7.5-8 किलोमीटर के अराउंड रह जाता है केलांग और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं। खूबसूरत नज़ारे भाई सब, अल्टीमेट नज़ारे हैं। इन नज़ारों को ही बस हम आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये नज़ारे। आगे और भी खूबसूरत व्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं कि उस बोर्ड पर कहाँ कहाँ के इंडिकेशन दिए हुए हैं। यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम जाएंगे किश्तवाड़ की ओर, और अगर सीधे निकल जाते हैं तो लेह केलांग बारालाचला की ओर निकल जाएंगे। वो पॉइंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अरे वाह, नैनो भी यहाँ पर चल रही है, तो कह लीजिए कि रोड कंडीशन तो बहुत ही गजब है। अभी तक केलांग आने वाला है तो कोई इशू नहीं रहेगा, कोई सी भी गाड़ी ले आइए। ये आ गया वो पॉइंट, यहाँ से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ये किश्तवाड़ की ओर जाएगा कश्मीर में, और ये वो रास्ता है ऊपर की ओर जो जा रहा है। यहाँ से जो सीधा रास्ता यानी राइट वाला जो रास्ता है वो जाएगा केलांग बारालाचला पास और लेह लद्दाख की ओर। चलते हैं भैया इसी रोड पर। काफ़ी ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पर भी अभी, और वेदर पूरी तरह से क्लाउडी है, कभी भी बारिश हो जाएगी। और आगे जाकर तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो भी मिलने वाली है। पीछे हमने पेट्रोल पंप पर पूछा था, उस समय मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बताया कि आगे आपको बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है, तो चलिए उसे भी देखेंगे। फिलहाल तो हम इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। केलांग आने वाला है। केलांग एक काफ़ी बड़ा शहर है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही केलांग आता है। केलांग सिटी भी आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर रोड, बहुत खूबसूरत नज़ारे वाकई में।
जैसा नाम सुना था लाहौल स्पीति का, वैसे ही व्यूज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड देखने के लिए मिल रहा है, लैंडस्लाइड जोन है तो पूरी तरह से रोड यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। सामने से एक नदी फ्लो कर रही है और उस पर एक बना हुआ है एक पुल, उस पुल से हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लस हुआ पड़ा है, पूरी तरह से कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। और सामने एक पिकअप में हम देख रहे हैं कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक को लोड करके ले जाया जा रहा है। शायद इस बाइक में कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस कारण से उसको पिकअप में लाद कर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ ऑफ रोड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो जोन है ये लैंडस्लाइड जोन है, तो लैंडस्लाइड जोन में तो यही रास्ते देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कहाँ तक मिलेंगे, कहाँ कहाँ ऐसे लैंडस्लाइड हमें देखने के लिए मिलेंगे, लैंडस्लाइड जोन मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी, वो सभी आपको हम दिखाते रहेंगे हिमाचल प्रदेश की इस सीरीज में। पुरानी वीडियो इस सीरीज की नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, सारी वीडियो देखिएगा शुरू से, और आगे जो भी वीडियो लाएंगे उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अल्टीमेट व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू। या हम गाड़ी को जरा थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि हमें गाड़ी में कराना है थोड़ा सा काम। काम से मतलब है, मतलब गाड़ी के टायर्स की हवा वगैरह चेक कराएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टूर हमारा अभी तक हो चुका है तो इस तरह का मेंटेनेंस भी ज़रूरी रहता है। फिलहाल ये नज़ारे देखिए, सामने एक होटल मौजूद है। तो होटल्स के तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, जगह जगह होम स्टे भी बने हुए हैं, और होम स्टे में चार्जेस जो हैं 200 से 300 रुपये पर हेड रहता है। आप आसानी से उनमें स्टे कर सकते हैं। कुछ होम स्टे मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, कैसे होम स्टे होते हैं, कैसा रूम होता है, आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए आप इस जगह का, लाहौल वैली। चलिए गाड़ी का काम हो गया है फिनिश, हवा भरा दिया है फुल, और आगे बढ़ते हैं। रोड अब उतना चौड़ा नहीं है, थोड़ा रोड की चौड़ाई कम हो गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी है, क्योंकि साइड में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इधर ट्रक खड़े हुए हैं, फिर भी इजीली हम ड्राइव कर पा रहे हैं। यहाँ से केलांग रह गया है मात्र 1 किलोमीटर, और लगभग ये पूरी तरह से केलांग का ही इलाका है, इसीलिए इतनी भीड़ भाड़ यहाँ देखने के लिए मिल रही है। सामने जो आप सिटी देख रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आ गया है केलांग। केलांग लाहौल स्पीति का काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ भी बहुत सारे होटल्स हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली ये शहर है। अगर एज ए टूरिस्ट आप यहाँ आते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट, ढाबे सब कुछ अवेलेबल हैं। होटल्स के चार्जेस मैं आपको बताता हूँ, केलांग के 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक अमूमन यहाँ पर होटल्स में चार्जेस रहते हैं। होमस्टे उससे थोड़े सस्ते भी हो सकते हैं। हॉस्टल्स के बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता है या नहीं, लेकिन होटल और होमस्टे हैं, रेट 1000 से 2500 के अराउंड हैं। तो ये है केलांग सिटी। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम आगे की जर्नी, केलांग से आगे जितनी भी जर्नी हम करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। सामने जो बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हैं वो आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उन पहाड़ों के बीच अपनी गाड़ी चलाएंगे, आपको दिखाएंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।